उस जमाने में खिलाफत उस्मानिया पर हुकूमत थी सुल्तान अब्दुल हमीद खान सानी मरहूम की, ये खलीफा थे। लेकिन एक बात उस जमाने के मौरखीन ने लिखी है, वाकया सही लिखी है, उनका लिखना ये था कि जो ये कैतलक आलमी कॉन्फ्रेंस करवा कर ये ऐलान करवाए हैं, उनको पता था जब तक खिलाफत उस्मानिया टूटेगी नहीं मुसलमान को काबू नहीं किया जा सकता। उसके लिए उन्होंने फिर बंदर बांट सिलसिला, ये कहावत सुनिए बंदर बांट, उसके लिए उन्होंने बंदर बांट सिलसिला शुरू किया। सबसे दूसरा मरहला यह तय किया कि इनको पैसा तो बहुत था, इनके पास बे इंतहा पैसा था, उन्होंने इनको आगे करके सुल्तान अब्दुल हमीद खान सानी मरहूम के पास भेजा कि जाओ। ये उनके पास आए और इनसे कहा कि हमें जमीन खरीदनी है। तो ये ठीक है कि वो वक्त तारीख बताती है कि खिलाफत उस्मानिया का मुश्किल तरीन दौर था, लेकिन बहरहाल वो खलीफा थे और वो इस कौम को जानते या समझते तो थे। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदनी है, मतलब उन्होंने कहा कि भाई हमें जमीन खरीदनी है, और हाँ ये नहीं है कि हमें आपसे मुफ्त चाहिए या हम आपसे जो है वो चंदे के तौर पे मांग रहे हैं, ऐसा नहीं, हम उसका मुआवजा देंगे। एक बात। दूसरी बात, वो तारीख की किताबें बताती हैं कि उन्होंने यहां तक कहा कि खिलाफत उस्मानिया पर जो कर्जे हैं वो हम अपने जिम्मे लेते हैं, वो कर्ज जाने हम अदा करेंगे, हम जिनके भी आपने कर्जे देने हैं उनसे हम कहते हैं कि वो कर्जे अब उन्होंने हमसे मांगने हैं, आपने नहीं देने, आप उनसे बरी हो जाएंगे। लेकिन हमारी सिर्फ एक शर्त होगी कि जमीन का यानी हमें जमीन चाहिए, लेकिन एक ही शर्त है हमारी, हम मुआवजा भी देंगे जमीन का, आपके कर्जों की जिम्मेदारियां भी लेंगे, आपको उस पर और दौलत चाहिए तो वो भी देने के लिए तैयार है। अच्छा, उनके ये अल्फाज जो किताबों में मिलते हैं इससे इतना तो अंदाजा हो जाता है कि उनकी माली हालत का क्या आलम हो गया था। जब ये बात यहां तक पहुंची तो सुल्तान अब्दुल हमीद खान सानी मरहूम ने जब उनकी बात सुनी तो फरमाया चाहते क्या हो, जमीन तो समझ में आ गई लेकिन कहां चाहते हो? उन्होंने कहा जी हमें जमीन चाहिए बैतुल मकदस में। तो अच्छा, ये भी मैंने अभी अर्ज किया ना कि उस जमाने के उलमा ने लिखा है कि खिलाफत उस्मानिया एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी, सुल्तान अब्दुल हमीद खान सानी मरहूम ने फरमाया कि देखो अगर तुम्हें जमीन चाहिए ना तो बैतुल मकदस के सिवा, फलस्तीन के सिवा, जहां तुम चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर तुम ये बात करो कि हमें बैतुल मकदस में चाहिए तो जितनी बातें तुमने रखी हैं ना, ये कर्जे खिलाफत उस्मानिया के लेने और उनका मुआवजा और दौलत देने, उसको छोड़कर अगर सारी कायनात के खजाने भी मेरे हाथ धर दो लाकर, तब भी मैं तुम्हें बैतुल मकदस की एक चुटकी जमीन तो क्या मिट्टी का जरा भी नहीं दूंगा, हां उसके सिवा जहां चाहिए तो दे सकता हूं। उनका नहीं, हमें और कहीं नहीं चाहिए, हमें वहीं चाहिए। अच्छा, ये बात तो आई गई हो गई, वो वापस चले गए। जब वापस चले गए तो कुछ अरसा गुजरा तो फिर उनको ख्याल आया या उनको यह ख्याल दिया गया कि वापस फिर सुल्तान अब्दुल हमीद खान सानी मरहूम के पास आए और आकर कहने लगे कि हमें जो है वो कारखाने लगाने हैं और हमारा काम जरा रुक रहा है या मुश्किल हो रहा है, हमें कारखानों की जरूरत है और कारखाने हमने कई लगाने हैं। तो सुल्तान मरहूम ने फरमाया कि लगाने हैं तो, कहने लगे लगाने हैं लेकिन बैतुल मकदस में लगाने। तो बात तो वही हो गई, पहले जमीन के हवाले से फलस्तीन मांग रहे थे और अब कारखानों के हवाले से मांग रहे थे। तो सुल्तान अब्दुल हमीद खान मरहूम ने फरमाया जो जवाब हमारा तब था वही जवाब अब भी है, ना हम तुम्हें बैतुल मकदस जमीन के लिए के हवाले से देंगे ना कारखानों के हवाले से, हाँ बाकी कहीं चाहिए तो ले लो हम इजाजत देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें बाकी जगह नहीं चाहिए।
अब फिर वापस चले गए तो उलमा ने लिखा है कि अब उन्हें ये तो तकरीबन मायूसी हो गई थी कि इस तरह हम सुल्तान को मायल या कायल करके तो बैतुल मकदस नहीं ले सकते, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब इतनी बातें करने के बाद भी वो नहीं माने तो फिर तो वो नहीं मानेंगे, अब दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाए। अब दूसरा रास्ता क्या अख्तियार करना था? दूसरा रास्ता इख्तियार ये करना था कि उन्होंने खिलाफत उस्मानिया में एक फितना खड़ा किया। फितना ये खड़ा किया कि अनगिनत इस तरह के लोग ढूंढे गए जिन्हें आज की इस्तिलाह में रोशन ख्याल लोग कहा जाता है, आज भी पाए जाते हैं, और वो तकरीबन नौजवान तबका था, और अनगिनत ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर उन्होंने ये तबका ढूंढा और उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के अंदर खिलाफत के खिलाफ आवाज उठा दी। अब मकसद तो उनका था बैतुल मकदस, लेकिन उस तरह खलीफा मान नहीं रहे थे तो उन अब इस तरह मनवा रहे हैं। हिंद की एक बड़ी पुरानी कहावत रही है, जब ये हालात हुए थे ना, जब मुगल सल्तनत का मसला छिड़ा था, ये भी वही दौर था। मैंने पिछले या व्यवस्था जुमा में मैंने अर्ज किया था, ये दौर वही था, उधर खिलाफत उस्मानिया टूट रही थी और इधर मुगलिया सल्तनत टूट रही थी। और ये तो खैर उस जमाने की तारीख बताती है कि ये वो लोग समझ गए थे और मान गए थे कि जब तक खिलाफत को नहीं तोड़ा जाएगा उस वक्त तक मुसलमान मुल्कों को काबू नहीं किया जा सकता। ये जितने इनके काबू में आए हैं खिलाफत टूटने के बाद ही आए। तो बहरहाल अल्लाह ताला रहम फरमाए, कहने का मकसद यह था कि उन्होंने खिलाफत के अंदर से लोगों को ढूंढा, उन्होंने आवाज उठा दी। लंबे किस्से हैं, मुख्तसर सुने। नतीजा उस आवाज के उठने का यह हुआ कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान सानी मरहूम को तख्त खिलाफत से हटना पड़ा। अब वो हट गए, उनके लिए एक रास्ता सो साफ हो गया। उसके बाद उनके भाई को खलीफा तो बनाया गया, लेकिन उस जमाने की तारीख बताती है कि उनमें कोई दमखम नहीं था, जिसमें था उसको हटा दिया। अब ये दौर तो चल रहा था, अब उनकी निगाहों के लिए बैतुल मकदस की जमीन और करीब हो गई, इसलिए कि जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो तो हट गई। अब एक तो रह गया था खिलाफत का नाम, और ये मैंने अभी अर्ज किया कि उलमा ने लिखा है कि वो लोग ये राज खूब समझ गए थे कि जब तक ये नहीं टूटेगी उस वक्त तक इन पर काबू नहीं पाया जा सकता। यही दौर चल रहा था कि वो जंग छिड़ी जिसे दुनिया आज भी पहली जंगे अजीम कहती है, और आपने पढ़ा होगा या सुना होगा उसमें तुर्की का हिस्सा लगा था। कैसे लगा छोड़ें, अब लंबी बातें हैं, वो मेरा मौजू भी नहीं है, लेकिन ये आपको शायद याद हो सन 1914 में ये जंग छिड़ी थी। 14, 15, 16, 17, 18 ये तकरीबन 14 से लेकर 19 तक 5 साल तक ये जंग जारी रही। उसमें तुर्की को डाला गया था, अब नतीजा ये हुआ तुर्की का दिवालिया ही निकल गया। जितनी भी उस सरहदों पर उसका झंडा लहराता था हर सरहद से उसका झंडा उतर गया, माना क्या हर सरहद उससे चली। ये उस जमाने की बातें हैं जिस जमाने में हरमैन शरीफैन पर भी खिलाफत उस्मानिया ही की हुकूमत थी, ये सारा एक ही हिस्सा था, हरमैन शरीफैन से लेकर शाम तक बढ़ते चले जाएं। जब उसमें तो इनका दिवालिया निकला, इनकी सरहदें टूट फूट गईं। अच्छा, जब इनकी सरहदें टूट फूट गईं तो फलस्तीन भी खिलाफत उस्मानिया के मातहत था,
جب خلافت عثمانیہ کا جھنڈا فلسطین سے ہٹا تو برطانیہ نے اس کو اپنے ہاں لے لیا۔ جس کے حوالے سے بیت المقدس سے حوالے سے بات کروں اس کو سنیں، بیت المقدس کو انہوں نے لے لیا، انہوں نے برطانیہ نے، برطانیہ نے انہوں نے لے لیا۔ اب ان کی تو ابھی حکومت ہی نہیں آئی تھی نا، اب حالات یہ بتا رہے تھے کہ لینے کا مقصد یہی تھا نا کہ لے کے ان کو دینا ہے، یہ تو لے نہیں سکے تھے، سلطان عبد الحمید خان ثانی مرحوم جب تک رہے انہوں نے ان کو ہلنے نہیں دیا، لیکن ان کو تو ہٹا دیا روشن خیال اپنوں نے، اور پھر جنگ عظیم اول چھیڑی گئی اور وہ گئے سب، خلافت عثمانیہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئی، اس کو بھی توڑنا تھا پھر انہوں نے، لیکن ظاہری طور پر تو اس کا ویسے ہی دیوالیہ نکل گیا تھا، پھر جو رہ گیا تھا نام اس کو بھی ختم کیا انہوں نے۔ کیسے؟ وہ شاید آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو، ان کے ہاں ایک مصطفیٰ کمال پاشا گزرا ہے، عطا ترک جس کو کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں، ان کی جو کرنسیاں ہیں اس پر آج بھی اسی کی تصاویر ہیں، یہ 100 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ اس نے آ کر پھر خلافت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، اور سن 1924 میں خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی، بلکہ خلافت کا جو نظام تھا اسلامی وہ پوری دنیا سے ختم کر دیا گیا، اور یہ بندر بانٹ سلسلہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یہ سارے دے دیے گئے۔ اور میں اپنے ہاں ایک جگہ لے کر خوش ہو گیا، آپ اپنی جگہ ایک جگہ لے کر خوش ہو گئے، خلافت عثمانیہ گئی چلی گئی، بس ختم۔